चुप्पो होने के बाद नमस्कार बोले जा रहे हो तुम भी। अम्मा बकोगे किसके इंतजार में छुपे हैं यहाँ? मैडम आपने कहा तो गोविंद का पता लगाओ। हाँ तो पता लग गया। अच्छा हाँ। इसी रास्ते से आएगा वो, इसी रास्ते से। का बात कर रहे हो? हाँ मैं जाऊँ। काहे? नहीं काहे मतलब हसन मैडम को ये सब पता लग जाएगा तो मेरा बिलू नहीं छीना जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारा जिंदगी तुमसे छीना जाएगा। हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि गोविंद इसी रास्ता से आएगा? पारो का पीछा किया था वो किसके लिए? तुम्हें पता है ना इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज कहीं से भी उसका बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है, मेन बाजार में सोनू आइसक्रीम ठेले वाला भैया है, मैं उसके पास पैसे छोड़ जाऊंगी। तुम ठीक 11 बजे उनसे पैसे कलेक्ट करना और सीधा कोलकाता के लिए निकल जाना। ठीक है? ठीक ठीक। Into the spy. मैडम मेरे ख्याल से हसीना मैडम को बुला लेना चाहिए। काहे? काहे का? काहे मतलब काहे? आप भूल गई, हसीना मैडम ने आपको मना किया है कि इस केस में नहीं पढ़ना है, उसके बावजूद भी आप इस केस में कोशिश कर रहे। मेरा तो बिल्लू निवास मतलब चला जाएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह आपकी है, आपका प्रमोशन तो गया। मैं यहां से जाता हूं, हसीना मैडम को लेके आता हूं, फिर आप गोविंद को उनके हवाले कर दो। गोविंद को देख के हसीना मैडम वाओ, आप केस पे ना होते हुए भी उनकी मदद कर रही है, आपका प्रमोशन पक्का। चाबी लाओ, चाबी लाओ। टोपा लिखा है क्या? नहीं। ज्यादा टोपा गिरी मत करो, हसीना मैडम यहाँ आएंगी फिर अपने जज्बातों की आइडियोलॉजी की टांग अड़ाकर हमारे किए धरे पर पानी फेर देंगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे, समझ गए? प्रमोशन? जब ये केस सॉल्व होगा ना तो अपने आप प्रमोशन के लेटर पर साइन हो जाएगा, ये केस हमारा है। एक और सवाल ना? बक 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 बक। नहीं उस गोविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो किस जुर्म में पकड़ेंगे उसको? बेटा बिल्लू तुम किस दिन काम आओगे बे? तुम लाके दोगे हमें सबूत? हम कैसे लाके देंगे? जैसे ही गोविंद आएगा ना तुम उससे जाके टकराओगे। मैं लड़की को छेड़ू? तुम आगे का बात सुनोगे? हाँ हाँ सुनाओ। और जैसे ही टकराओगे ना उसके जेब में पर्स डाल दोगे। अरे मेरा काम तो निकलवाना है। तो इस बार डालना है। बहुत मुश्किल है। कुछ बोले बे? नहीं नहीं। फिर जैसे तुम उसके जेब में पर्स डालोगे तो तुम जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर 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 चोर 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 चोर। सब कुछ मुझे ही करना है, आप कुछ करोगी? हम आएंगे वहाँ पे और जब आएंगे तो उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे, समझ गए? ठीक है जाते हैं। गोविंद आया, गोविंद आया, गोविंद आया। तो हम जाओ ना। जाते हैं। पर्स कौन लेके जाएगा? तुम्हारी तो भैया वो पारो जी एक पार्सल छोड़ के गई है। हाँ तो दे दीजिए अगर आपके पास हो तो। भैया मटका कुल्फी कैसा दिया? ये मेरा जेब है, छोड़। तो मेरा जेब किधर है? मेरा जेब इधर है। चोरी करता शर्म नहीं आता? ये हमारे ही बटवा है। तो हटो यहाँ से, तुम चलो। हम कहे? अमा तुम्हारा ही बटुआ चोरी हुआ है ना तो तुम ही रिपोर्ट लिखवाओगे या हम लिखवाएंगे? नहीं नहीं मैडम, हमका कौन रिपोर्ट विपोर्ट नहीं लिखाना है, हमारा बटुआ हमारे पास में, जाओ तुमको माफ किया। हमको कैसे कैसे बाबू, कायदा कानून भी कोई चीज होता है कि नहीं? चलो मैडम हमारी बात सुनिए, मैडम मैडम बहुत खतरनाक है। चलो मैडम मैडम। उस्मान एक बिरयानी दो जल्दी। बिरयानी अब भी लाया तुम? यानी उस्मान शादी के ऑर्डर के लिए बाहर गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बिरयानी लाओ। बेटे बिरयानी का बिल मेरे खाते में लिख दियो। संतोष जी ऐसी सैडनेस आपके फेस पे सूट नहीं करती, क्या हो गया मकान नहीं मिला क्या? तुझे क्या लगता है मकान ढूंढना आसान काम है? तो इसीलिए तो कहते हैं संतु जी, इसीलिए तो कहते हैं कि आप ना शादी कर लीजिए, फिर मकान नहीं पूरा का पूरा घर आपका हो जाएगा और आप किराएदार नहीं मकान मालकिन बन जाइएगा।
चिड़िया घर की। क्यों बेटा? जहाँ तू रहेगा वहीं तो मालकिन बनेगी संतोष जी। बेटा जुबान खींच के फ्राई करने में बहुत कड़ा रिकॉर्ड है हमारा। तो तेरी जुबान से बड़ा शहर तो पता है। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ गायब हो चुकी है और आप लोग यहाँ खड़े होकर मजाक कर रहे हैं। मैडम सर वो कल लास्ट है, मुझे हॉस्टल खाली करना है, पर कोई घर देने के लिए तैयार ही नहीं है। नवाब साहब ने भी ना बोल दिया, हर किसी को मैरिड कपल को ही घर देना है, तो ये तो गलत है ना। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी, मैं तैयार हूँ। उससे पहले शमशान घाट नहीं पहुँचा था हम तुमको? अबे झूठी शादी की बात कर रहा हूँ लालटेन। झूठी शादी? हाँ संतोष जी, आप मकान मालिक को बोल देना कि आप शादीशुदा, मैं आपका नकली पति बन के साथ चल लूंगा। एक बार मकान मिल जाए ना तो बोल देना कि मेरी नौकरी विदेश में लगी हुई है, इसलिए घर आता हूँ आपसे मिलने सिर्फ साल में एक या दो बार, सिंपल है ना मैडम। मैडम सर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि केस का क्या हुआ? केस तो सॉल्व हो गया। मैडम सर ये गोविंद है, अब यही बताएगा कि आपको कि असली चक्कर क्या है, और ये जो चार पांच बीवी है इनका क्या चक्कर चल रहा है बताओ। एक मिनट करिश्मा सिंह, आपको ये सब करने की परमिशन किसने दी? मैडम सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, आपके लिए पैक करके ला रहा था, इन्होंने बुलाया तो मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ। झूठा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैडम सर आप परमिशन का छोड़िए, हम इसको यहाँ उठा कर ले आए हैं, केस सॉल्व हो गया है, ये दुबई में कभी रहता ही नहीं था, और पारो उसको पता था कि ये कहाँ छुपा बैठा है और ये भागने के फिराक में था, हम उसको यहाँ, तुम नहीं मानोगे ना ऐसे घंटा आप मारेंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसे ना देखा, समझे बताओ। मैडम मैडम समझाइए इनको, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, अरे वो पारो और बाकी की सारी लड़कियां तो मेरी बहन जैसी है। बहन? मैं सच कह रहा हूँ मैडम जी प्लीज। अच्छा हम आज तक हमने इतने बेशर्म और गिरे हुए इंसान देखे, मगर तुम्हारे जितना कमीना इंसान नहीं देखा। जब अपनी परा बनी तो अपनी सारी बीवियों को बहन बना लिया जी? अरे मैं सच कह रहा हूँ अम्मा जी। हैं? मेरा मतलब है क्या नाम है इनका, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ मैडम, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा तुम ना बहुत मोटा चमड़ी हो, तुम ऐसा नहीं मानोगे, रुको तुम्हारी तो। रुकिए करिश्मा सिंह, ये सच कह रहा है। गोविंद और पारो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, इनफैक्ट गोविंद किसी का भी पति नहीं है, ही इज अनमैरिड। ये आप क्या कह रही हैं मैडम सर? जी तुम्हारा सच है, तुम ही बताओ। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मेरा असली नाम गोपाल है, ये देखिए ये मेरा कार्ड है। वाओ। कुछ साल पहले मैं ड्रामा थिएटर में काम किया करता था, पैसों की हमेशा किल्लत रहती थी, कमाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मजबूरन मुझे चार पैसे कमाने के लिए स्टेट एजेंट बनना पड़ा, तो मैं किराए पे लोगों को घर दिलाने लगा, तभी मुझे पता चला कि सिंगल लड़की को कोई भी भाड़े पे घर देने के लिए तैयार नहीं, सबको शादीशुदा ही चाहिए। तभी मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन सारी लड़कियों के साथ एक डील फाइनल करूं कि मकान किराए पे देने के लिए मैं इन लड़कियों के लिए एक हस्बैंड बन जाया करता था, और जैसे ही मकान किराए पे मिल जाता था ना तो उसके दूसरे हफ्ते मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है ये बोल के मैं वहां से निकल लेता था, कमीशन के लिए मुझे चार पैसे भी मिल जाते थे और इन लड़कियों को अपना एक घर भी मिल जाता था। बस मैडम जी मेरा इतना सही कसूर है। मतलब भाड़े का पति? जी हाँ, रेंटेड हस्बैंड। हे भगवान, इसे कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हमारे करिश्मा मैडम ने क्या क्या नहीं सोचा था, ये गैंगस्टर होगा, मुजरिम होगा, जासूस होगा, मगर निकला क्या? किराए का पति। बेशक जैसा सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन आज हमें इस हमारे समाज की एक बहुत गंदी सच्चाई पता चली। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि एक अकेली लड़की को घर ढूंढने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। अम्मा तुम हमको पहले सच बता सकते थे ना? हमें नहीं बताना था, दरअसल हम नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए कि हम लड़कियों ने झूठ बोलकर मकान किराए पर हासिल किया है, इससे लोगों का हम अकेली लड़कियों पर का भरोसा और भी टूट जाता, सच बताने के बाद मकान खाली करवाना पड़ता, तो क्या करती हम लड़कियां? और नवाब साहब उन्होंने सिर्फ इस विश्वास पर हमें घर किराए पर दिया कि हम शादीशुदा हैं,
अगर उन्हें सच पता चल गया तो? पता चल गया मोहतरमा, इतना बड़ा विश्वासघात, अभी कभी हमारा मकान खाली करके दफा हो जाइए। कहिए क्या कहना बाकी रह गया है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है जिस कारण आप किसी भी कुंवारी या अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं दे सकते? इन लड़कियों को किराए में मकान देने का मतलब है कि जिंदगी जहन्नुम। ऐसा क्या कर देती हैं? मैडम जी एक हो तो बताऊं, लेट ये आती हैं, हंगामा ये करती हैं, बॉयफ्रेंड ये लेके आती हैं, बात बात पे जो है तमाशा करती हैं, शोर शराबा करती हैं, संगूफे ये छोड़ती हैं, पार्टी करती हंगामा करती हैं। अरे मैं क्या कोई और भी अकेली गैर शादीशुदा लड़की के ऊपर यकीन नहीं करेगा? बेलगाम होती हैं ऐसी लड़कियां। हमारा तुम्हारी मैया की सासू मैया, ऐसा कंटा आप मार के खोपड़ी चटकाएंगे ना तुम्हारा कि यहीं जमीन पे ना उल्टे कॉकरोच की तरह फड़फड़ा रहे होगे। करिश्मा सिंह। हाँ पता है मैडम सर। नवाब साहब आप हमारी बात शांति से सुनिए। नहीं सुनना है, इनसे कह दीजिए कि मेरा मकान खाली करके चली जाए बस। वो तो हो नहीं सकता और कानून अब ऐसा कर नहीं सकते। किराएदार को घर से निकालने से पहले एक महीने का नोटिस देना पड़ता है एक कानूनन रीजन के साथ। उसके बाद भी किराएदार चाहे तो लोकल सेशन कोर्ट में अर्जी देकर वक्त मांग सकता है। फिर ये मामला जाएगा कोर्ट में और फिर कोर्ट तय करेगी कि किराएदार को निकालना है या नहीं। और इतना तो जिंदगी तुम्हारे पास बचा भी नहीं है। मोहतरमा आप हमें कानून समझा रही हैं? जितनी तो आपकी उम्र नहीं होगी ना, उससे ज्यादा इल्जाम लेके हम घूमते रहते हैं। और आप भूल रही हैं तो हम आपको याद दिला दे, जहाँ पे आप खड़ी है ना ये पूरी मिल्कियत के मालिक हम हैं, जिसका कि पिछले 8 महीने से हमें किराया नहीं मिला है। देखिए हमारे मामले में आपने अगर दखलंदाजी की तो हम ये भूल जाएंगे कि कभी हमने इस थाने से दिल लगाया था। अमाओ लगाओ लिपस्टिक। ये रहे हमारे किराएदार के वेरिफिकेशन के कागज और ये पेपर पारो का है। पर इससे कहिए कि हमारा मकान खाली कर दे। मैडम सर नवाब ने बाकी के लैंडलॉर्ड को बता दिया गोविंद के बारे में, अब सबने घर खाली करने के लिए कह दिया। अम्मा बाप का राज है क्या? कानून होता है कि नहीं होता है? प्रमोशन चाहिए या नहीं? और वो तो आपको तभी मिलेगा जब हम सीआर रिपोर्ट देंगे और उसके लिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपने सीनियर्स के सारे ऑर्डर्स फॉलो करिए और जब तक हम परमिशन नहीं देते आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम सर, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम हसीना मैडम की बात इतनी शिद्दत से और इतनी जल्दी अग्री कैसे कर गई? होता है बेटा, सब समय की बात है, समय बड़ा बलवान। मैडम सर, नवाब के किराएदारों की वेरिफिकेशन फाइल बन गई है, इनको चेक करवाना बाकी है। आप ये केस सॉल्व करना चाहेंगे? करना तो चाहेंगे मैडम सर। तो फिर नवाब के सारे किराएदारों का वेरिफिकेशन चेक करिए। हम समझे नहीं? समझाते हैं। क्लियर? जी मैडम। मैडम सर ठीक है, कैसा है प्लान? बहुत बढ़िया, कैरेक्टर रिपोर्ट के चक्कर में सब सही लग रहा है। हमको मैडम सर का प्लान वाकई में बहुत गजब का लगा है और अगर ये प्लान सफल हो गया ना तो सारे झमेले अपने आप दूर हो जाएंगे। दम है मैडम सर इसमें, बहुत दम है। वो तो है,
कितने बजे बुलाया था पुष्पा जी? जी 10:30 बजे। बज गए? आगे आइए आइए। फरमाइए, क्यों बुलाया है? किराया देने के लिए बुलाया है? मिठाई मंगवाऊं? वो भी मिल जाएगा, फिलहाल बात कुछ और है। क्या? करिश्मा सिंह। जी मैडम। पेशेंस। चलो। अरे ये तो हमारे किरायेदार मनमोहन है, यहाँ क्यों? बताइए। आपके किरायेदार के हम कल घर गए थे, जब घर गए तो पता चला कि ये घर पर नहीं है, फिर पता चला कि ये रात को अक्सर घर पर नहीं रहते हैं, रात को पीछा किया और जब पीछा किया तो पता चला कि आपके ये किरायेदार मिस्टर मनमोहन बहुत बड़े पेशेवर चोर है और रात को अक्सर चोरियां करते हैं। है? ये कैसे हो सकता है? मैडम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या? नहीं, हमारे एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन इसका। क्या? ऐसा ही है, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ाए ने। रुकिए रुकिए, अभी आपके किरायेदारों के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी। चीता। जी मैडम। सर अरे ये तो मल्होत्रा साहब है। यही मल्होत्रा साहब नकली शराब का धंधा करते हैं। बताइए, इनके घर से बहुत माल बरामद हुआ है और आसपास पूछताछ पे पता चला है कि लेट नाइट पार्टीज में ये शराब भी सप्लाई करते थे। बोलिए मल्होत्रा साहब। ये अपने काम का बंदा है। क्या? सब्र। पुष्पा जी। जी मैडम। सर चलिए भाई साहब आइए। मैडम सर। अरे ये तो भार्गव साहब है। जी भार्गव, आपके सबसे मारूफ किराएदार। अवैध संबंधों का चक्कर है मैडम सर, हमने खुद ने देखा है। बीवी घर से बाहर जाता है ना तो दूसरा कोई औरत आता है। बोल, अभी काम का बंदा है? एक काम से गया हुआ बंदा है। अरे ये सब झूठ है, हमारे किराएदार। अरे इनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैडम जैसा आप सोच रही है ना वैसे ये नहीं है। ये मनमोहन जी ये कार सेंटर में काम करते हैं, ये महत्ता साहब हैं और इनके मौसा जी के पास शराब बिक्री करने का लाइसेंस है, जिसके वजह से उनको शराब कम दामों में मिलती है, इसी वजह से उनके यार दोस्त इसे खरीदते हैं। और ये भार्गव साहब, इनकी बीवी बाहर काम करने के लिए जाती है और उसी वक्त वो काम करने वाली घर में आती है, बस इत्तेफाक की बात है ये। और सुनिए मैडम जी, हमारे जो किराएदार है ना ये बहुत इज्जतदार और शरीफ हैं। अरे गलती इनकी नहीं है, गलती आपके सोच और आपके नजरिए की है। ठीक उसी तरह जिस तरह गलत है आपकी सोच और आपका नजरिया, जो ये कहती है कि एक अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह गलत है आपकी सोच और आपका नजरिया, जो ये कहती है कि एक अकेली लड़की को घर किराए पर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर वो लड़की रात को देर से घर आती है तो जरूर कुछ उल्टा सीधा करती होगी। अरे भाई ये उसका काम भी तो हो सकता है। नर्सेस, एयरहोस्टेस, प्राइवेट सेक्टर पे काम करने वाली ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनका कोई तय वक्त नहीं होता है। उनको जो शेड्यूल मिलता है ना उस हिसाब से उनको काम पर आने और जाने का टाइम डिसाइड होता है। तो क्या वो हजारों महिलाएं गलत हो गई क्या? और अगर किसी लड़की के घर पे कोई लड़का आता है तो हमेशा उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कलीग हो सकता है। और अगर बॉयफ्रेंड हो भी तो उसमें गलत क्या है? अगर एक बालिक इंडिपेंडेंट लड़की किसी लड़के से रिश्ता रखना चाहती है तो वो उसका प्राइवेट मैटर है, आपको कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। आपकी शिकायत है कि ये जो सिंगल टेनेंट होती है ये बहुत पार्टियां करती हैं, बहुत शोर शराबा करती हैं। आप हमें एक बात बताइए, एक लड़की अपने घर वालों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपना करियर बनाने की लड़ाई में अपना अकेलापन दूर करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मिल जुल लिया या पार्टी कर लिया तो इसमें गलत का है? आप कहे जज कर रहे हैं इनको? ये तो हम सब भी करते हैं और यकीनन आप भी करते होंगे। किराए पे सिर्फ घर मिलता है, खुशियां नहीं। अब आप खुशियों का भी किराया लेंगे? और जहां तक बात है पारो की, उसका वेरिफिकेशन हमने खुद किया है। नवाब साहब, पारो एक बहुत ही शरीफ, नेक और जिम्मेदार नागरिक है, ये हम पूरी जिम्मेदारी और तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। समय पर किराया देती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे घर में रहने दें। नवाब साहब, वक्त आ गया है कि आप जैसे लोग सामने आए और अकेली किराए पर रहने वाली लड़कियों को उनके हक का मान सम्मान दे, इस समाज में पूरी इज्जत के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीने का मौका दे। नवाब साहब। जी
ऐसे नेक काम की शुरुआत आप जैसे प्रतिष्ठित इज्जतदार बुजुर्ग नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा, बताइए हमको। लाइए अपना हाथ आगे बढ़ाइए। जी। और इसे दुआ दीजिए कि ये अपने जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। नवाब साहब, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी लैंडलॉर्ड से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं। अकेली किरायेदार लड़की पर इतनी बंदिशें न लगाएं कि बेचारी जी ना पाए। आज से इनको इनके घर से कोई नहीं निकालेगा, ये नवाब का वादा है। शुक्रिया। चीता जी। मैडम सर। निकल 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 निकल। बिल्ली निवास खाली कर। हाँ बाय बाय बाय। वैसे आप दोनों ने फ्रॉड का जुर्म तो किया है, लेकिन फिर भी इस बार सिचुएशन को देखते हुए हम आपको माफ कर देते हैं। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर। इट्स ओके। थैंक यू मैडम सर। इनफैक्ट थैंक यू आप सभी को। थैंक्स लॉट। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम आपसे किराया नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, जैसे ही हेडक्वार्टर से फंड आएगा ना, सबसे पहले हम आपका किराया अदा करेंगे। जी, जी। इसी बहाने मुलाकात भी होती रहेगी। जी, जी। हाँ हाँ, वो हमारी संतु जो है ना, उसके लिए छोटा सा अगर मकान मिल जाता तो। अरे पुष्पा जी, आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमको फिर इजाजत दीजिए, मुलाकात तो होती रहेगी ना। हाँ हाँ होती रहेगी। चलो भाई आओ। शुक्रिया शुक्रिया। यू आर वेलकम। थैंक यू मैडम। टेक केयर। मैडम सर शुक्रिया हमारा बिल्लू निवास खाली करने के लिए। सीआर के लिए नहीं मैडम सर, बट वाकई आपका प्लान बहुत दमदार था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.